उत्तराखंड में प्रवक्ता सीट से भर्ती वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रखा है। 2021 से आपकी भर्ती प्रक्रिया इधर से उधर चलने में है और लगभग 3,669 लगभग मान लो 3,500 प्लस आपकी जो है रिक्त पद हो चुके हैं प्रवक्ता में। 2021-22 के बाद कोई भर्ती नहीं आई है आपको। मैंने ऑफिशियली लिखा हुआ था 2022 में करीबन मई माह में अध्यक्ष गए थे, फिर उसके बाद वापस गए थे, फिर कितनी बार आए गए और एक बार फिर से आपको भर्ती में धोखा मिला है अभ्यर्थियों को और भर्ती पर जो है फिलहाल कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। मतलब अभी नहीं आएगी विज्ञप्ति, आने वाले टाइम आप कब कब आएगी कुछ कह नहीं सकते हैं भाई। अभी अध्यक्ष वापस चले गए हैं और शिक्षा विभाग कितना लेट करता है आपको पता है कि अभी जुलाई में अध्यक्ष आए थे, उसका एग्जाम कैलेंडर में निकाल दिया था परीक्षा के रिगार्डिंग। परीक्षा तो खैर उसी टाइम हो भी सकती है अगर भर्ती टाइम पे निकल जाएगी फिर भी, क्योंकि फिलहाल शिक्षा विभाग को मुझे कोई भरोसा नहीं कि शिक्षा विभाग कब तक जो है अध्यक्ष वापस भेजेगा। अध्यक्ष चले गए हैं वापस, आपको मैं दिखा दे मोस्टली सभी को पता होगा प्रवक्ता भर्ती वापस प्रस्ताव वापस चले गए हैं और रीजन आपको पता होगा रीजन क्या है दे रखा है यहाँ पर कि यूकेपीएससी ने रीजन लिखा है कि सामान्य श्रेणी के अलग अलग प्रक्रिया ठीक नहीं है। लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती में कहा है कि सामान्य श्रेणी के पदों को जो है अलग अलग प्रक्रिया से भरा जाना जो है विधिक रूप से ठीक नहीं है, तो इनको ये सामान्य श्रेणी की दिक्कत लगी है और इस वजह से शासन को 8 अगस्त को ठीक है जुलाई क्रम में अगस्त में आए थे 2024 को भर्ती के संशोधन वापस प्रस्ताव आए हुए थे आयोग में, जिसमें जो है दिव्यांग के पदों की श्रेणीवार विभाजन विभाजित जो है किया गया है, जबकि संशोधित प्रस्ताव में दिव्यांगजन के 22 और यहाँ पर महिला शाखा में दिव्यांगजन के 2 पद क्षैतिज आरक्षण के तहत दर्शाए गए हैं। तो ये एक मामला है, अब इतना छोटा सा है मैटर और उसको संशोधित करने के लिए कितना समय लगाता है शिक्षा विभाग अब देखने वाली बात है, क्योंकि आपको मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत समय लग सकता है इन चीज़ों में। टोटल भर्तियाँ आ रही 613 ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे लगा था कि यहाँ पर जो पद बढ़ गए तो 613 नहीं होगा 623 होगा यहाँ पे, क्योंकि 623 का मैंने ऑफिशियली आपको बताया हुआ है ठीक है। पद ऊपर नीचे हो जाएंगे वैसे भी मुझे पता है क्योंकि एक्यूरेट नहीं निकलता है डाटा, RTI में जो निकाला था वो आपका 623 निकाला हुआ था ठीक है। अब मुझे लगा था कि पद कुछ बढ़ जाएंगे, इतने सारे वैकेंसीज खाली हैं और कुछ पद बढ़ाएंगे और कुछ चेंजेस हो सकते हैं लगभग 700+ भी हो सकता है करके, लेकिन पदों की संख्या में कोई इजाफा नहीं हुआ है, ये अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है। दूसरी बुरी खबर ये है अभ्यर्थियों के लिए कि 2020-21-22 के बाद लगातार वेट कर रहा प्रवक्ता का, वो एक बुरी खबर है। तीसरी बुरी खबर ये है कि आज अध्याचन आने के बाद वापस चले गए हैं, वो एक बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि वापस विभाग को जाना यानी कि मतलब 2-3 महीने भी लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है विभाग वाला ठीक है, क्योंकि ज़्यादा काम आयोग का नहीं है इस भर्ती में, विभाग का काम है। तो इस वजह से प्रवक्ता भर्ती में अभी कुछ समय के लिए तो रोक मान के चलो, अभी भर्ती आपकी आनी है नहीं। हाँ अगर दिसंबर तक आ सकती है तब तो ठीक है, दिसंबर तक आ भी जाएगी क्योंकि पेपर के हिसाब से तब 3 महीना तब भी ठीक ही हो जाता है आपका, क्योंकि अप्रैल में रखा गया पेपर। भर्ती तो खैर आएगी लेकिन समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा है इस भर्ती में, क्योंकि आपको पता है कि 2021-22 से मैं लगातार बता रहा हूँ कि भर्ती आएगी 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 करके, क्योंकि जो जो अपडेट होता है मैं आपको बताता रहा भाई। अभी अध्याचन से UKPSC के पास ले गए हैं, फिर विभाग के पास ले गए हैं, ऐसा बताता रहता हूँ मैं। अब खेल इनका यही चल रखा है बेरोजगार को परेशान करने का कि अध्याचन विभाग को, विभाग से आयोग को, आयोग विभाग को, विभाग से कितनी बार चले गए, 7-8 बार चले गए, एक बार की बात नहीं है, एक घटना बार बार, मतलब इतनी गलतियां बार बार नहीं होती हैं ठीक है। तो इस भर्ती में हुई है कभी कुछ आरक्षण कभी कुछ आरक्षण, तो या कोई भी कुछ पदों में पहले कुछ पद नहीं थी इसमें ठीक है, वो पद ऐड किए थे स्टार्टिंग में, फिर आरक्षण लगा इनका दिव्यांग वाला, फिर अनाथ वाला लगा इनका, फिर इनका 30% वाला लगा जो ये वाला 10% जो EWS वाला महिला वाला भी लगा उसमें, तो फाइनली फिर भी संशोधन नहीं निकाला पाए ये लोग और फिर से वापस लौटा रहे हैं। जल्दी भर्ती निकालने की बात कर तो रहे शिक्षा मंत्री लेकिन कब होगा वो जल्दी बता नहीं, अब देखने वाली बात है कितना समय विभाग लगा।